हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेल पल्स में आपका। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश मैच के बारे में, जो कि धर्मशाला के स्टेडियम में हुआ था। और आपको बता दूं गाइस, इसके बारे में जो इंग्लैंड की टीम है उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया बाउंस बैक करते हुए कि हम इस वर्ल्ड कप के एक प्रबल दावेदारों में से एक हैं। अब चूँकि आपको बता दूँ कि न्यूजीलैंड से इनको एक बहुत बड़ी हार मिली थी, जिसके चलते इनका रन रेट जो है वो माइनस में पहुंच गया था। बट जिस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड कप में अपना बाउंस बैक करते हुए बांग्लादेश पर जीत हासिल करी, और उनका रन रेट ना केवल जीत हासिल करी है बल्कि इनका जो रन रेट है वो भी प्लस 0.5 समथिंग में पहुँच गया है, तो ये प्लस पॉइंट रहा है। मैच के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 364 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर था, विशाल स्कोर था, जिसके सामने बांग्लादेश की जो टीम थी वो बिखर गई। तो आपको बता दूं कि जो मैच समरी में जो रन बनाए हैं इंग्लैंड के लिए, सबसे ज़्यादा डेविड मलान ने बनाए हैं, और डेविड मलान ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया है कि वो क्यों ओपनिंग स्लॉट डिजर्व करते हैं इंग्लैंड टीम के लिए। ये काफ़ी टाइम से जेसन रॉय और भी जो प्लेयर्स थे वो वहाँ पे बैटर करते आ रहे थे, बट जिस तरीके से उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ मैचों में परफॉर्मेंस दिया है। आपको गाइस बता दूं कि इस बार सबको पता है कि इंग्लैंड टीम ने ना एक बहुत ही बेहतर डिसीजन लिया कि जो रूट को वो अपने स्क्वाड में लाए, क्योंकि जो रूट कहीं ना कहीं उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में अदर जगह जब भी मैचेस होते हैं तो कई बार फिट नहीं बैठ रहे होते हैं, बट उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया, इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। इस बार जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में हो रहा है, और इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्पिन होगी और फास्ट के लिए भी मदद होगी, तो कोई कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बैटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो सभी सिचुएशन में अपने जो टेम्परामेंट के साथ है, अपनी क्लास के साथ है, अपने एक विकेट को रोक के रख सके। तो एक तरफ जो इंग्लैंड की सोच है ताबड़तोड़ बैटिंग करने की बेस बॉल, और दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसा बैटर्स डाला हुआ है अपनी लाइनअप में जो रूट के नाम के रूप में, कि जो किसी भी सिचुएशन में अपने जो उनका विकेट है वो उसको रोक के रख सकते हैं। जब भी बैटिंग करने आते हैं तो एंकर का रोल अदा करते हैं, अगर दूसरी साइड से विकेट गिर भी रहे हैं तो जो रूट अपनी साइड के जो विकेट है उसको रोक के रखते हैं ताकि कोलैप्स होने से रोका जा सके। तो ये इंग्लैंड टीम ने एक बहुत ही अच्छा डिसाइड करके उनको अपने स्क्वाड में शामिल किया। वहीं बात करें तो रईस टोपली कुछ टाइम से उन इंग्लैंड टीम से जो खेले थे, उनके और भी जो मुख्य खिलाड़ी थे जैसे जोफ्रा आर्चर अवेलेबल नहीं थे, तो और भी जो उनके खिलाड़ी थे उनको ना खिलाते हुए उन्होंने रईस टोपली को, उन्होंने पता था कि रईस टोपली कितने उनके मुख्य खिलाड़ी हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप में, कई जगह पर जिस तरीके से उनकी हाइट है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, तो उन्होंने अपने स्क्वाड में रईस टोपली को शामिल किया, और वो उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिटर्न भी दे रहे हैं। तो रईस टोपली ने इस मैच में सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए, और डेविड मलान ने यहाँ पर शतक जड़ा, और वो भी बहुत बड़ा शतक जड़ा। उसके अलावा जो रूट ने भी हाफ सेंचुरी लगाई, 80 रन के करीब बनाए। जवाब में जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग करने आई तो गाइस आपको मैं बता दूं, उस टाइम पे बांग्लादेश के 50 रन के अंदर अंदर 4 विकेट गिर चुके थे। तो वहाँ से इंग्लैंड जैसी टीम के सामने इतना बड़ा विशाल स्कोर चेस करना बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली थी, और उसी के सामने बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं हाथ जो है अपने जो हथियार है डाल दिए, और एक बहुत बड़ी जीत इंग्लैंड को मिली इस मैच में। तो फैक्ट एंड अपडेट एंड मैच रिपोर्टिंग के बारे में आपके सामने आते रहते हैं, और रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो गाइस इस तरीके की अपडेट पाते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट्स मैच से रिलेटेड या फिर जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच गाइस। Dance, 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 dance